कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। राजस्थान के घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर माना जा रहा है। वहीं एक नया नाम फिर चर्चा में है और वह नाम है दिग्विजय सिंह का, जिनको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इंचार्ज भी बनाया हुआ है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी चर्चा में आया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वे मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे, मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा। ये सब जगह अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरी हर प्रदेश की रणनीति बनाऊं, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ना। कमलनाथ की ना के बाद दिग्विजय सिंह का नाम फिर चर्चा में है। इसके साथ ही अब मल्लिकार्जुन खड़गे दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपालन, पवन बंसल अध्यक्ष पद की रेस में हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसमें दिग्विजय सिंह की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी और सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है और 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की काबिलियत है। पार्टी स्तर पर उनके नाम पर उनकी स्वीकार्यता कितनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी।